हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। अरे बाबा, तुम्हारे लिए लेके आए पता है कि आज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जिसको कहते हैं चेन रूल। देखो तो सर साइकिल पे चढ़ने वाला, अरे साइकिल वाला रूल नहीं है बाबा, आए तो चेन रूल, लेकिन खाली नाम उसी साइकिल के चेन की तरह है। और अगर आपको मैं गारंटी देता हूँ 10-15 बेसिक फॉर्मूला और चेन रूल आपका कमांड हो जाए, तो डीसी का कितनों बड़ा क्वेश्चन को एक स्टेप में आप सल्टा सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है, इसीलिए इस पर करिए कमांड और तब देखिए क्वेश्चन बनेगा धकाधक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, चेन रूल सिखाना आपको। आखिर चेन रूल होता क्या है, आइए इस पर देखते हैं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले समझिए कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कहता है मिक्स ऑफ मोर देन वन, नहीं मोर देन टू, टू या मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा फंक्शन के जो मिक्सचर होता है ना, मिक्स जो होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो चलिए कंपोजिट का देखते हैं डीसी कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लिखा रहे प्यारे बच्चों डी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसमें आप देखिए ना दो फंक्शन का मिक्सचर है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बाय डी एक्स। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऊपर में जो है उसको लिख देते हैं डी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब कुछ और नहीं करना है, ये एफ वाली को ढक लेंगे तो क्या बचा जी ऑफ एक्स, यहां लिखेंगे डी जी ऑफ एक्स। अब इसी को अपर, इसी को अपर, कहता सर अपर क्या होता है, अरे मार्बो ने एक थप्पर, ऊपर बोल रहे थे तुमको सुनाई देता अपर, अच्छा चलिए अपर ने ऊपर, इसी को करेंगे ऊपर। मतलब कुछ नहीं करना है जी को, अब बुरा मत मानिएगा, आपको थप्पर नहीं ना मारे हैं, दिल पर मत लीजिए, पढ़ाई को आप दिल पर जिस दिन ले लिए ना, उस दिन आप पूरे राज विश्व में राज कीजिएगा। पता है क्यों, क्योंकि दिल पर लिया हुआ चीज आप नहीं भूलते हैं, जैसे याद कीजिए उसकी बात। अब आगे बढ़, जी को ढकेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी एक्स, तब तक लेते रहेंगे जब तक लास्ट में डी एक्स ना आ जाए। जैसे कहिए सर ये कुछ पचा नहीं, फिर से आइए पचा देते हैं। अगर हम लिखेंगे डी एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इसमें बच्चों तीन तीन फंक्शन ऐड हैं। अब आप अगर ये सोच रहे होंगे सर एक बार क्वेश्चनों कराते ना उदाहरण, बाबा इस पर इतना उदाहरण लेके आएंगे, पता कितना है इतना। और ये उदाहरण के लिए आप कुछ नहीं करना है, अगले वीडियो का करिए जरा इंतजार, पहले जरा इसको पढ़ लेते हैं, काहे कि चेन रूल चल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ डी एक्स, तो कुछ नहीं सबसे पहले लिखिएगा डी एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। सबसे पहले आउटसाइड फंक्शन को आप ढक लेंगे, एफ को ढकेंगे क्या बचेगा बच्चों डी जी ऑफ एच ऑफ एक्स। इसी को लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे डी जी ऑफ एच ऑफ एक्स, और जैसे यहाँ पे जी को ढकेंगे यहाँ मिलेगा एच ऑफ एक्स। अब एच ऑफ एक्स को फिर से करिएगा अपर, फिर कहता है अपर, अपर नहीं ऊपर, समझे कि नहीं, यहाँ रखेंगे एच ऑफ एक्स और इसी को करेंगे यहाँ पे डी एक्स, समझे कि नहीं, बस एकदम धक्का धक। अब मान लीजिए कोई बच्चा का सर हम नहीं मानेंगे इससे बराबर है, रे बाबा स्वर्ण स्वर्ग रहते हैं, तुमको मानना पड़ेगा, समझे कि नहीं। ध्यान दीजिए ना कैसे, जैसे अगर मान लीजिए ई हट्टा सावन की घटा, तो क्या यही दोनों नहीं बचा, ये बात क्लियर। मान लीजिए इसी में कहता हट्टा सावन की घटा, तो क्या ये दोनों नहीं बचा। अब ये हट्टा सावन की घटा जस्ट लाइक समझने के लिए है, थोड़ा टेंशन मत लीजिएगा। तो यही है आपका चेन रूल, कि अगर इसको हम हटा भी देंगे तब भी बराबर हो जाएगा, क्लियर। चलिए एक और आपको देखना है बच्चों, ध्यान दीजिए बहुत मजेदार है। आप याद कीजिए डी एक्स के पावर एन का फॉर्मूला याद करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, याद है, तो वेरिएबल के पावर कॉन्स्टेंट मतलब पावर छोड़ के जो बचा उसी के रिस्पेक्ट में। इसी प्रकार एक तीसरा फॉर्मूला आपको जो हम लेके आने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए कि आपको दे देगा डी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के पावर में होल में एन दे देगा और कहेगा एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, यो जानते हैं कैसे, जो ऊपर में उसको लिख दीजिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के पावर एन। अब इसी पावर जैसे इसमें एन को ढकते थे तो क्या बचता था डी एक्स, इसमें भी एन को ढकिएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों डी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और इसी को करिएगा फिर से ऊपर और नीचे में लाइएगा फिर से कौन चीज, आप समझिए रहे होंगे, अब तो सेम टू सेम फोटो कॉपी इसको उतार देना है जी ऑफ एक्स। कुछ नहीं, आउटसाइड फंक्शन को ढकते जाना है, इनसाइड के रिस्पेक्ट में करते जाना है, समझे कि नहीं। कहते ई क्या कर रहे सर, देखिए जरा एक बार डी जी ऑफ एक्स, और ये तब तक करिएगा जब तक यहाँ डी एक्स नहीं आ जाए। अब ई तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक इस पर क्वेश्चन नहीं कर देना है, तो आपको एक उदाहरण दे दिया जाए, आप पूरे विश्व के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से या मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई करके आ जाइए, जब तक आप देखें मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें कहता है सर्किट एगो बॉडी लाओ, बॉडी ये उठा के ले आता है, तो जब तक आप देखे होंगे मेडिकल कॉलेज में एक दो को बॉडी को चीर फाड़ करके आई नस को आई नस में नहीं जोड़ता है, पता नहीं चलेगा आप नया नहीं डॉक्टर बन के आए, पता चला
कहीं नस जोड़ दिया, कहीं चीज छोड़ दिए, बस उधर से आएगा गार्जियन बगल हो के आपको ठोक देगा, समझे कि नहीं। तो थोड़ा सा हर थ्योरी के बाद क्वेश्चन करना जरूरी है, और क्वेश्चन के लिए कहीं जाइएगा नहीं, आप खाली एरे मैथमेटिक्स पर बने रहिए ना, सब चीज मिलेगा, टेंशन नहीं लेना आपको, समझे कि नहीं। ध्यान दीजिए, इसका क्वेश्चन भी लेके आएंगे, बहुत जबरदस्त आता है, ध्यान दीजिएगा। अब एक फॉर्मूला और पढ़े थे, डी ए के पावर एक्स, अब इसमें क्या पढ़े थे बाबू, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल का डीसी, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मतलब खाली कांस्टेंट को छोड़ देते थे जो वही बचता था। तो इसका भी एक फॉर्मूला इसी तरह का है कि डी ए के पावर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डीसी अगर आपको एक्स के रिस्पेक्ट में दिया जाए तो जो ऊपर रहेगा उसको लिख दीजिएगा, जो ऊपर रहेगा उसको लिख दीजिएगा, और जब ए को ढकेंगे क्या बचेगा बच्चों, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसी को करिएगा अपॉन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे देंगे प्यारे बच्चों डी जी ऑफ एक्स, अब इसी को करेंगे फिर से ऊपर और जी ऑफ एक्स को प्यारे बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट में, समझे कि नहीं। अगर आप ये चार गो चेन रूल का फॉर्मूला कृपया करके रटिएगा नहीं, मेरे यहाँ नो रट्टा फिजिकेशन, ओनली समझिंग, समझे कि नहीं। ये चार गो और इस तरह का जो आपको हम 10-15 गो फॉर्मूला लिखा है, ये आपके कमांड में आ जाए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ डीसी का कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने, कोई क्वेश्चन ये दो स्टेप में नहीं रे बाबा, एक ही स्टेप में आंसर। और ये मेरा चैलेंज है कि आप किसी भी क्वेश्चन को हिला डालिएगा, केवल एक बार ज्वाइन तो करके देखिए। अब एक नया बात, अगर आप हमारे नए यूजर हैं यूट्यूब पर जो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इस चैनल को एक बार लाइक शेयर जरूरी कर दीजिए, और आप अपने दोस्तों में भी ये बात बताइए, रे बाबा एगो स्वर जी आल छो धमाका उठा दे छो, बड़ा मजेदार पढ़ाते हैं, समझे कि नहीं। क्योंकि पढ़ाई लगेगा सुपर से ऊपर तब पढ़ने में लगेगा मजा ही मजा, ध्यान दीजिए। और लास्ट एक और प्रचार कर लेते हैं, बोलिए का, एरे मैथमेटिक्स का एक प्ले स्टोर में अपना एप्लीकेशन आप जो यहाँ देख पा रहे होंगे इसी प्रकार का एक लोगो मिलेगा आपको प्ले स्टोर में, आप उसे डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, नाम डालिए, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, और शुरू कर दीजिए पढ़ाई, समझे कि नहीं। बहुत मजेदार टॉपिक समय, समझे, ठीक है। तो इतना को उतारिए, तब तक के लिए मिलते हैं इसी चैनल पर एक छोटे से ब्रेक के बाद, बाय बाय, कहीं जाइएगा नहीं, तुरंत इसका क्वेश्चन वो लेके आना है ना, जो कि अगला पार्ट के वाला वीडियो मिलेगा, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।